लड़के ऐसी लड़कियों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो इनकी दोस्तों की नजरों में काफी अट्रैक्टिव हो, और लड़कियों को ऐसे मेल ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जिनके पास महिंद्रा थार हो। सॉरी बट आप ऐसे कई सही या गलत साइकोलॉजी फैक्ट सोशल मीडिया में देखते या सुनते होंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ फैक्ट ना बताकर अट्रैक्शन पर हुए न्यूरोसाइंस के द्वारा कुछ ऐसी स्टडीज बताऊंगा जिसे जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। यकीन मानिए आज ये बातें आपको एक बार सोचने पर जरूर मजबूर कर देंगी। सो फीलर्स बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर वन, डोंट बी इजी। दोस्तों क्या कोई लड़की बहुत आसानी से आपको सेड्यूस कर सकती है? क्या आपको मैनुपलेट या कह लें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना किसी के लिए भी काफी आसान है? और क्या थोड़ा सा भी दबाव डालने पर आप इंटीमेट होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं? अगर आपका इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि फीमेल्स की नजरों में आप कम अट्रैक्टिव हो। दरअसल यूएस की एक यूनिवर्सिटी में तकरीबन 151 यंग फीमेल्स पे एक स्टडी हुई जिसमें उन्हें 110 मेल्स की फोटो को दिखाकर ये बताना था कि कौन ज्यादा या कम अट्रैक्टिव है और किसे सेड्यूस करना उनके लिए काफी आसान होगा। रिसर्चर्स ने यहाँ एक छोटा सा गोलमाल कर दिया। उन्होंने मेल्स की फोटो में उनकी कुछ तारीफें लिख दी, जैसे कि साय, यंग, स्लीपी, इमेच्योर, रेकलेस, इंटॉक्सिकेटेड यानी कि नशे में इंडल्ज रहने वाला। महिलाओं ने इन सभी चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करके ये पता कर लिया कि किस मेल को अपने मायावी जाल में फंसाना कितना आसान है, और जिस मेल को सेड्यूस करना जितना ज्यादा आसान है वह मेल उनकी नजरों में उतना ही कम अट्रैक्टिव होगा। इसलिए दोस्तों अगर आप खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं तो महिलाओं से बहुत जल्दी प्रभावित होना छोड़ दीजिए। याद रखिए कि फीमेल्स आपकी अच्छी हेल्थ और इंटरेस्ट को जरूर एक्सेप्ट करेंगी, इसलिए जब तक उसे आप में कोई दिलचस्पी ना हो तब तक आप भी यही दिखाइए कि आपको भी उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ अगर उसे आप में कोई इंटरेस्ट है तो आप भी मैदान में उतर सकते हैं। नंबर टू, वॉइस एंड सेंस आर इम्पोर्टेंट। देखो वो लड़की कितनी अट्रैक्टिव है, यार वो लड़का तो मुझसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। दोस्तों ऐसी लाइन सुनकर आपके दिमाग में यही आता होगा कि वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर और उसकी बॉडी एक परफेक्ट शेप में है। हालांकि ये सोच बचपन से ही हमारे आसपास के माहौल की देन है, इसलिए हम इसे सच मानते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि अच्छे लुक्स के अलावा भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें दूसरों के सामने अट्रैक्टिव बनाते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी स्मेल और वॉइस यानी कि आवाज। आपने शायद ये नोटिस ना किया हो लेकिन ये हम सबकी बायोलॉजी और साइकोलॉजी में बाय डिफॉल्ट सेट है। आप जब भी किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो इसके पीछे जरूरी नहीं कि सिर्फ उसके गुड लुक्स का ही हाथ हो, बल्कि उसका स्मेल और आवाज भी आपको उसकी तरफ आकर्षित कर सकता है। जैसे कि मेल्स में लो पिच तो वहीं फीमेल्स में हाई पिच वाली आवाज ज्यादा अट्रैक्टिव होती है उनके अपोजिट जेंडर्स के लिए। कुछ रिसर्चर्स की माने तो इसके पीछे इवोल्यूशन भी जिम्मेदार है, क्योंकि पहले जब कोई किसी का फेस नहीं देख पाता था तो वह उसे उसकी आवाज से जज कर लेता, और कई केसेस में बॉडी स्मेल भी बहुत काम आती थी। इसलिए दोस्तों आप एक अच्छी क्वालिटी का सेंट जरूर यूज कर सकते हैं दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। नंबर थ्री, मेल अट्रैक्टिवनेस एंड म्यूजिक। दोस्तों म्यूजिक सुनना हम सबको कहीं ना कहीं जरूर पसंद होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि म्यूजिक लड़कों को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है? नहीं, दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में कुछ मेल्स और फीमेल्स को म्यूजिक के साथ उनके अपोजिट जेंडर्स की फोटो दिखाई गई और उनसे पूछा गया कि भाइयों और बहनों बताइए कि कौन कितना अट्रैक्टिव है। इसके बाद उन फोटोज को फिर से दिखाया गया, लेकिन इस बार वहां कोई भी म्यूजिक नहीं थी। जब रिसर्चर्स ने दोबारा वही सवाल पूछा तो पार्टिसिपेंट्स के जवाब में अचानक कुछ परिवर्तन आ गया। हालांकि लड़कों के जवाब में कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन लड़कियों ने म्यूजिक के साथ जिन मेल्स की फोटो को अट्रैक्टिव कहा था, म्यूजिक के गायब होते ही वह मेल्स उनकी नजरों में कम अट्रैक्टिव हो गए। यानी कि म्यूजिक फीमेल के परसेप्शन को आसानी से बदल सकता है। स्टडी में ये भी नोटिस किया गया कि हाईली स्टिमुलेटिंग और कॉम्प्लेक्स म्यूजिक का प्रभाव ऐसे कंडीशन में सबसे ज्यादा पड़ता है, और शायद इसीलिए आजकल लोग अपने स्टेटस में अपनी फोटो के साथ साथ म्यूजिक डालना नहीं भूलते। वैसे दोस्तों म्यूजिक के बारे में चार्ल्स डार्विन ने ये कहा भी था कि म्यूजिक सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से ही डेवलप हुआ है, और ये स्टडी भी कुछ यही कह रही है। वैसे इस पे आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नंबर फोर, ब्यूटी एंड द बिहोल्डर। दोस्तों इस फोटो को जरा गौर से देखिए, हाँ थोड़ा और। तो अब बताइए कि इन दोनों फेस में कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है, फेस ई या फेस बी? अरे ज्यादा सोचिए मत, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना जवाब। हो सकता है कि दोस्तों आप में से कुछ लोग ए वाले हैं और कुछ लोग बी वाले। दरअसल 18 मई 2017 को ह्यूमन नेचर नाम की जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी की माने तो हमें किसका फेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा या इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारी आसपास की पॉपुलेशन कैसी है।
इस स्टडी में इस फोटो के ए फेस को ज्यादा अट्रैक्टिव मानने वाले लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहीं बी फेस को ज्यादा अट्रैक्टिव मानने वाले लोग अर्बन एरिया से। इसमें एक कमाल की बात यह है कि इन दोनों लड़कियों का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI सेम है, लेकिन क्योंकि ए वाली का फेस ज्यादा हैवी लग रहा है इसलिए रूरल एरिया वालों को ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, और बिल्कुल इसका उल्टा हुआ अर्बन एरिया वाले यानी कि शहरी लोगों के साथ। वैसे दोस्तों कहा जाता है कि खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि खूबसूरती तो हमारे आसपास के लोगों से भी निर्धारित होती है। नंबर 5, अगली ट्रूथ ऑफ अट्रैक्टिवनेस। दोस्तों हम सबकी चाहत होती है कि हमें एक ऐसा अट्रैक्टिव पार्टनर मिले जिसकी अट्रैक्टिवनेस हमसे भी कहीं ज्यादा हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चाहत लड़कियों के लिए काफी तकलीफ देह हो सकती है, खासकर उन फीमेल्स के लिए जो खुद को कम अट्रैक्टिव मानती हैं। दरअसल फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि हमारे रोमांटिक पार्टनर की अट्रैक्टिवनेस हमें डाइट के लिए मजबूर कर सकती है। जी हाँ, रिसर्चर्स ने ये पाया कि जिन महिलाओं के हस्बैंड या कह लें बॉयफ्रेंड उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं उनमें डाइट करने और खुद का वेट घटाने का मोटिवेशन कुछ ज्यादा ही होता है, लेकिन जब बारी ऐसे मेल्स की आती है जिनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव है तो इनको डाइट करने का कोई खास मोटिवेशन महसूस नहीं होता, बल्कि इनके मन में तो और लड्डू फूट रहा होगा कि अरे वाह मेरी पार्टनर तो बहुत अट्रैक्टिव है। हालांकि ये हमें काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कई फीमेल्स को ये डर लगने लगता है कि कहीं उनका पार्टनर उनकी अट्रैक्टिवनेस से सेटिस्फाई ना हुआ तो वो क्या करेंगी। ऐसी सोच कई फीमेल्स को डाइट करने के लिए मजबूर कर देती है, यहाँ तक कि कई महिलाएं ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी नशे का शिकार होना और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई ना हो पाने जैसी दिक्कतों का सामना करती रहती हैं। सच में ये बहुत ही पेनफुल है, इसलिए दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी फीमेल्स को उनकी अट्रैक्टिवनेस पर डाउट करने का मौका मत दीजिए। तो दोस्तों न्यूरो साइंस के इन फैक्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसी बटन्स का भी थोड़ा इस्तेमाल करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।